नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के ककरमत्ता स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल में, और हमारे साथ हैं पॉपुलर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एके कौशिक। आइए जानते हैं कि 2023 में आपने अपने मरीजों के लिए क्या खास सुविधाएं लेकर आए हैं। मैं क्लाउन टाइम्स मीडिया को धन्यवाद देता हूँ आज इस इंटरव्यू के लिए, और साथ ही साथ रीना जी और प्रतिमा का अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वांचल का मैं अग्रणी शल्य चिकित्सक हूँ, और विगत 30 वर्षों से मैं इस चिकित्सा सेवा में कार्यरत हूँ। हमेशा कुछ न कुछ नया हम टेक्नोलॉजी जोड़ते रहते हैं, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल के अन्य विभाग हों या चाहे सर्जरी विभाग हो। इधर मैं अपने हॉस्पिटल में लगभग 4-5 विशेष सेवाएँ देने का अवसर उठाया है हमने, और इस अवसर पर पहला हम कैंप करने जा रहे हैं 13 से लेकर के 15 मई तक। फिर उसके बाद हम थर्ड वीक में करेंगे, और लास्ट वीक में और फर्स्ट वीक ऑफ मई में करेंगे, जून में करेंगे। तो ये निरंतर एक शल्य चिकित्सक का हम शिविर करने जा रहे हैं, और जो पहला हमारा शिविर होने जा रहा है वो विभिन्न प्रकार की जो एडवांस सर्जरीज है उस पर करने जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में जैसे मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, हमारे यहाँ सर्जरी में DNB के भी कोर्सेज चलते हैं, और साथ में दो सहयोगी डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर किरण हैं, और साथ में साथ एक MCH गैस्ट्रो सर्जरी करके आए हैं डॉक्टर रंजीत, वो भी इस चिकित्सा सेवा में अपना सहभागी बनेंगे। और हम 4-5 तरह के जो मेन सर्जरीज होती हैं, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो महिलाओं में हम सर्जरी करते हैं, पुरुषों में भी करते हैं, जैसा कि पब्लिक भी समझती है, महिलाओं में जो मुख्य लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो कॉमन अपेंडिक्स गॉल ब्लैडर के साथ साथ हम लोग बचे जाने का ऑपरेशन और एक्टोपी का ऑपरेशन करते हैं, ओवेरियन सिस्ट का भी करते हैं लैप्रोस्कोपिक से। उसी प्रकार पुरुष में गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, लीवर की बीमारियां और पैंक्रियाज और अन्य कई इस तरह के रोग हैं जिसका हम लोग दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सारे सर्जरी का हम कैंप करेंगे 13, 14, 15 को इस हॉस्पिटल में। उसी दौरान एक लेजर से भी आजकल सर्जरी होने लगी है, और लेजर हम विशेष रूप से एनोप्रोक्टोलॉजी में करते हैं, जो मल द्वार गुदा द्वार है उसके बीमारियों का निदान इस समय करते हैं, जिसमें कॉमन है फिशुला, पाइल्स, फीसर तथा पैलोनेडल साइनस। तो ये सब का ऑपरेशन जैसे ओपन मेथड से जब करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, खर्च भी ज़्यादा लगता है, और प्लस ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, और मरीज को बहुत दिन तक पेन में रहना पड़ता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल लेजर है, तो लेजर से ये सारे जो प्रोक्टोलॉजी के जितने ये बीमारियां हैं इनका भी इलाज इस दौरान करेंगे। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि वीनस जो प्रोमिनेंसेस होते हैं, वेरिकोज वेन बोलते हैं, दोनों पैरों में हो जाता है, इसका भी निदान हम लोग इस कैंप में करने जा रहे हैं, और इसको भी लेजर मेथड से करेंगे। साथ ही साथ हर्निया एक बड़ा विशेष टॉपिक है समाज में, आप महिलाओं में भी पुरुष में भी बहुत ज़्यादा हर्निया के इंसिडेंस हैं, तो मैं सोचा कि इस बार क्यों ना हर्निया का भी निदान इसी तरह किया जाए लैप्रोस्कोपिक मेथड से। अभी तक बहुत सारे लोग अभी ओपन मेथड से ही कर रहे हैं, हम लोग भी ओपन मेथड से काफ़ी हर्निया करते हैं, कुछ लैप्रोस्कोपिक करते हैं, लेकिन इस बार स्पेशल टीम के द्वारा हम लोग लैप्रोस्कोपिक द्वारा ही हर्निया का इस कैंप में सारा ऑपरेशन करेंगे। तो इस टीम में एक और ख़ास बात है कि डॉक्टर रंजीत जो आ रहे हैं वो जितना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल माने आँत से लीवर से लेकर के मल द्वार तक के जितने भी पेट के अंदर की बीमारी है वो सारे का ऑपरेशन दूरबीन से इस बार करेंगे, तो उसमें कैंसर आते हैं, और जितना भी पैंक्रियाज, लीवर और छोटी आँत बड़ी आँत से संबंधित रोग होंगे उसका भी किया जाएगा। करने के लिए तो हम लोग बैरियाटिक सर्जरी प्लान किए हैं, लेकिन अभी इस पर हम फोकस करेंगे, लगातार 3 दिन काम करेंगे। अब बात आती है कि इस कैंप क्यों कर रहे हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसके लिए ये कैंप इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जनता को एडवांस सर्जरी हम सस्ते किफ़ायती दर पर दे सकें, और पूर्वांचल जनता को अवेयर कर सकें कि सर्जरी का जो स्तर है वाराणसी में जनरल सर्जरी का, लैप्रोस्कोपिक और लेजर मेथड द्वारा, वो हम जन सामान्य तक, कॉमन पीपल तक आसानी से पहुंचा सकें और लोगों को जागरूक बना सकें। मैं पिछले 30 वर्षों में लगातार चिकित्सा सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से सर्जरी में हमेशा उन्नत काम करने का आदि रहा हूँ, इसी से हमें प्रेरणा मिली है कि ये चीज़ हम जनता तक सस्ते और सुलभ ढंग से पहुँचाएं। डॉक्टर साहब, इस कैंप में गरीब मरीजों के लिए क्या सुविधाएं होंगी?
देखिए जैसा कि मैंने बताया ये एक तरह से कैंप हम कर रहे हैं, तो कैंप में हमेशा जो एक नॉर्मल सर्जरी, मान लीजिए हमने गॉल ब्लैडर की सर्जरी 30-35 से लेकर के हम लोग 50,000 के बीच में करते हैं, जो स्पेशल वार्ड या डिलक्स वार्ड लेते हैं वहाँ 45-50 तक खर्चे आते हैं, और जनरल वार्ड में करते हैं 25-30 हज़ार होते हैं। ये मान के चलिए सब में लगभग फ्लैट 30% हम लोग कम पड़ेगा खर्चा मरीज का, जनरल वार्ड वालों का 20,000 के आसपास में हम लोग गॉल ब्लैडर और इस तरह की कॉमन सर्जरी से करेंगे, और डिलक्स में वो उसी प्रोपोर्शन में कम करेंगे। जांचों में भी छूट दी जाएगी, और हम जो शुल्क इसमें रजिस्ट्रेशन का वो फ्री रखेंगे। डॉक्टर साहब जैसा कि अभी आपने बताया कि हार्निया का ऑपरेशन अब तक लोग ओपन मेथड से करते थे, लेकिन आप इस कैंप में लैप्रोस्कोपिक द्वारा करेंगे, तो क्या ये सक्सेस है? ये टेक्नोलॉजी का अपना बड़ा महत्व है, और ये लर्निंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन आजकल धीरे धीरे जनता की डिमांड भी है, ये पूरा हम लोग लैप्रोस्कोपी से करेंगे, उसके लिए सारी टीम पूरी तरह से इक्विप्ड है और 100% सक्सेस है, ओपन सर्जरी से ये बेटर रिजल्ट देगा। डॉक्टर कैंप में जितने तरह की बीमारियों का सर्जरी के बारे में आपने बताया है अभी, तो उनके लिए जिन डॉक्टरों को आपने रखा है वो डॉक्टर केवल टोटल ये आपके हॉस्पिटल के हैं या फिर बाहर के भी आपने बुलाया है? देखिए अभी तो हम अपनी टीम पर भरोसा रखते हैं और अपनी ये इनहाउस टीम है, साथ ही साथ ये तीन जो मेजर सर्जन हैं, मैं हूँ, डॉक्टर रंजीत हैं, डॉक्टर किरण भाई हैं, और साथ ही साथ DNB का हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें असिस्ट करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि इतने बड़े सर्जिकल टीम प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, ये सारी इनहाउस टीम है। और पॉपुलर हॉस्पिटल में वैसे भी आप डॉक्टरों की संख्या देखेंगे तो हमें लगता है कि 50 से ऊपर होगी, तो ये अपनी टीम है और सब कुछ हम इंडिजीनियस कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी बताया कि आगे चल के जब सेमिनार CME करेंगे और वर्कशॉप करेंगे उसमें बाहर के डॉक्टर को बुलाएंगे, जो कि हमने बताया आपको 3rd week, 4th week और 1st week ऑफ जून में करेंगे। डॉक्टर साहब इसमें ऑर्थो से रिलेटेड कोई कैंप लगाएंगे आप इसमें? उसके लिए भी देखिए ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट भी बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, और डॉक्टर विनीत से लेकर डॉक्टर शिवजी, ये दोनों का, डॉक्टर विनीत तो पिछले कई दशक से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। 30 मंथ में हम लोग सर्जरी के साथ साथ ऑर्थोपेडिक कैंप की भी प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में अभी पूरी प्लान नहीं बन पाया, लेकिन कल तक हम लोग इसके बारे में जनता को जानकारी दे देंगे। डॉक्टर साहब 13, 14, 15 जो ये कैंप लग रहा है, काशी की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं काशी की जनता से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सर्जरी कराना है तो फर्स्ट चॉइस पॉपुलर हॉस्पिटल को लीजिए, डॉक्टर कौशिक से बात करिए, यहाँ से आप संतुष्ट रहते हैं तो पहले हमारी सेवा लीजिए फिर कहीं और जाइए, और इसमें हम उन्नत चिकित्सा सेवा आपको प्रदान करेंगे और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉस्ट को भी हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब अगर जो है इस कैंप में किसी मरीज को आना है तो उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन कोई नंबर वगैरह भी आपने दे रखा है? हमारा कॉल सेंटर का नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक स्पेशल नंबर दिया है जिस पर जनता संपर्क कर सकती है, नंबर है 7800001895 96। डॉक्टर साहब क्लाउन टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रीना जी फॉर इंटरव्यू, एंड प्रतिमा को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।